Myself, Meeka Parmar from Pashwamed Vidyalaya. So last video we had seen the properties of multiplication. Some are we had done. The last remaining property is the distributive property. So today we are going to learn this distributive property. First recall what we had seen. We had seen closure property, right? Closure under multiplication. Then commutativity property. Then multiplication by zero property, then multiplicative identity and associativity for multiplication. Now, today we are going to learn distributive property. So distribution, the word distribution itself says that to divide equally. So in distributive property, we also mean that. I give you an example, so it is better clear for you. Now, the distributive property. What I have taken in example. What is distributive property? So, I take an example. 60 into round bracket 10 plus 2 equals to what we had in right side. It is 60 multiplied with 10 plus 60 multiplied with 2. मतलब कि ये जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है नंबर, उसको ब्रैकेट में जो भी नंबर दिए गए हैं उस सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और ब्रैकेट में जो साइन होता है, सपोज यहाँ पे एडिशन का साइन है तो वो हम लोग यहाँ पे एडिशन का साइन लिखेंगे. तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो किसके ऊपर है, एडिशन के ऊपर. अगर यहाँ पे 10 माइनस 2 होता तो अगेन यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी हो जाती, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ऐसे हम लोग यहाँ पे मैंने एडिशन लिया है तो मैं एडिशन कर रही हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब आपको मोर क्लियर हो, ज्यादा क्लियर हो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ भी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करके हम लोगों को क्या मिलता है, सो 3 प्लस 5 इज 8, राइट, एंड माइनस 2 रिमेन्स एज इट इज. सो माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 इज 8. So minus 2 into 8, how much? Minus 16, right? We know this process. Now, in this process, what we had given, minus 2 into 3 plus minus 2 into 5. So yahan pe bhi hum log same jo bracket ke andar hai uska pehle simplification kare. So square bracket mein waise ka waisa rakh rahi hu. Minus 2 into 3. So 2 3s are 6 and the sign is minus. So minus 6 plus minus 2 into 5. Minus 2 into 5. So 2 5. So 5 2s are 10 and the sign is minus. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एडिशन जो हम लोग देख चुके हैं, एडिशन की अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 है उस पर हम लोग देख चुके हैं कैसे कर सकते हैं हम इसका एडिशन. तो ये होता है 6 प्लस माइनस 10. सो व्हाट इज इट, 6 माइनस 10,
630. अब साइन में माइनस एंड माइनस बोथ आर माइनस, सो गो टू रूल माइनस इनटू माइनस गिव्स प्लस, सो द साइन ऑफ 630 इज पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 18 इनटू माइनस 5 इनटू माइनस 4. अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये जो माइनस 18 है तो उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और ये जो 5 इनटू 4 है उसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं. तो ये हुआ माइनस 5 इनटू माइनस 4. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो माइनस 18 इनटू 5 4 20 एंड द साइन इज पॉजिटिव. सो 18 इनटू 20 इज 360 एंड द साइन इज माइनस प्लस, सो साइन इज माइनस 360. अगेन यहाँ पे आप लोग क्या लीजिए, दो दो की पैर ले लीजिए, दो दो का स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्या आप कैसे लिखेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 2, सॉरी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3 इंटू 4. और इसका आप लोग ब्रैकेट के अंदर का पहले सिंप्लीफिकेशन लीजिए, सिंप्लीफिकेशन हो जाए उसके बाद जो भी आता है उसका आप लोग सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे क्वेश्चन